हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। और ये अपनी शाम की क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सुबह में जो कि मैं RPSC के पेपर हल करवाता हूँ अच्छे से व्याख्या के साथ, अभी शाम में अपन क्या करेंगे, शाम में अपन करेंगे RSSB बोर्ड के जो पेपर्स है वो सारे हल करेंगे। शाम वाली क्लास में मैं फटाफट MCQ कराने वाला हूँ, सुबह वाली क्लास में मैं व्याख्या के साथ पढ़ाता हूँ। तो जो बेहतरीन तैयारी करना चाहता है दोनों क्लासों को ले, और क्लासों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज का ये जो पेपर बिल्कुल लेटेस्ट पेपर 2024 में हुआ था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाला पेपर है। इसमें जो आपके राजस्थान GK के सवाल पूछे गए थे उन सवालों को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर बीच बीच से राजस्थान के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं बीच से सीधा ही निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्बेश्वर जी, ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं सीधे ही। क्वेश्चन नंबर 11 का ये रहा आपका ना, किसने जैसलमेर में 5 यानी पटवा हवेली बनवाई है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुमान चंद बाफना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि भी जैसलमेर में जो पटवों की हवेली बनवाई है वो गुमानचंद बाफना ने बनवाई, ठीक है। नेक्स्ट सीधा चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपका राजस्थान GK है, तो मैं सीधा ही आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये 15 हो गया आपका, ये रहा 13। राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महिला क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अब सीधा अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आपका राजस्थान GK है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। ये अच्छा क्वेश्चन है, पशु परिचर वालों के लिए तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। नीचे दिए गए नस्लों के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचाननी है आपको, ठीक है। तो बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़ी हुई निलंबी कान, और सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल और चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित होते हैं, यानी ये विशेषता है। तो आपको पहचानना है कौन सी मवेशी है, गिर है, थारपारकर है, राठी है, मालवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गिर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब सीधे ही चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये आपका आ गया 24, ये रहा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना आपको, ठीक है। तो करें मिलान, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं बकरी। बकरी की जो नस्ल है वो सिरोही है, क्लियर है। भेड़ की बात कर लो तो भेड़ आपका पोंगल हो जाएगा। गाय की बात कर लो तो मालवी हो जाएगा, और ऊँट की बात कर लो तो गोमट हो जाएगा, ठीक है। गोमट ऊँट की नस्ल है ना, गोमट, ये गोमट लिख दिया, वैसे गोमट होता है ना, तो ये आपका सुमेलित हो गया। और 24 के अगर सही आंसर की बात कर लें तो अपन देख लें सही विकल्प ये रहा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते सीधे 25वें क्वेश्चन पर। 25वें क्वेश्चन पर आपका राजस्थान GK का ये रहा 25वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सांबर झील आपकी बिल्कुल जयपुर में पड़ती है, सुमेलित है। राजसमंद झील उदयपुर में पड़ती है, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। नवलखा झील बीकानेर में, ये भी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाल संबंध झील ये सुमेलित है। इसमें देखो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया था, कारण ये था कि दो ऑप्शन गलत दे दी। राज संबंध झील राज संबंध में पड़ती है, और नवलखा झील जो पड़ती है कहाँ पड़ती है, नवलखा झील आपकी पड़ती है कहाँ पड़ती है, नवलखा झील आपकी पड़ती है बूंदी के अंदर, कहाँ पड़ती है बूंदी के अंदर, तो इसलिए ये आपका गलत हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 32 का क्वेश्चन देख लेते अपन। 32 है ना, ये रहा 32 आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपके राजस्थान के मंदिर है, एक तरफ किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे वो आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एकलिंग जी का मंदिर मेवाड़ के अंदर है, क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ महावीर जैन मंदिर गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा, गुज्जर प्रतिहारों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब आ गया अचलगढ़ और दिलवाड़ा। अचलगढ़ जो है आपके किसके द्वारा, परमार के द्वारा बनवाया गया था, और दिलवाड़ा जो आपके चालुक्य के द्वारा। तो इसके सही आंसर की बात कर लेते, देख लेते इसका सही आंसर कौन सा होने वाला। तो ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये था 32।
तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 देख लो, मैच आपने बिल्कुल सही किया ना, कोई गलती तो नहीं है। देखो ये 3 ये 4 ये 1 ये 2 बिल्कुल सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अचलगढ़ परमारों के द्वारा और दिलवाड़ा चालुक्यों के द्वारा। अब बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सीधा ही। तो ये आपका 32 हुआ था ना, 32 के बाद अब बढ़ जाओ सीधा आप 33वां क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके का आपका था। तो 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ बांध एक तरफ नदी है, बिसलपुर जो बांध बना हुआ बनास नदी पे बना हुआ है, मैजा बांध जो बना हुआ कोठारी पे बना हुआ है, जवार सागर बांध आपका चंबल पे बना हुआ है, और अरवार बांध ये आपका खारी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, ये अरवार बांध है जिसे अपन अडवान बांध कहते हैं भीलवाड़ा वाला। ठीक है, ये कौन सी नदी पे बना हुआ, ये खारी नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 35 का क्वेश्चन देख लेते। इधर है 35 आपका ये ना, राजस्थान में किस स्थान पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र स्थित है? तो सिरोही, चूरू, डिंडोल बस्सी, टोंक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिंडोल बस्सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ 37 पे सीधा ही, 37 भी आपका राजस्थान जीके से ये रहा। केसरी सिंह बारट का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो आप सभी को पता है केसरी सिंह बारट का जन्म जो हुआ वो शाहपुरा में हुआ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते सीधा क्वेश्चन नंबर 40 पे जो कि ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है? भाई बिहार, बिहारी बिहार ये भी लिखा है, पवन पचासा ये भी लिखा है, ललिता ये भी लिखा है, लेकिन विजयपाल रासो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयपाल रासो नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? नल सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते सीधा ही, राजस्थान जी के फिर 60 आएगा आपका। तो ये आ गया आपका इधर 60 58 58 के बाद ये रहा 60। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है एक तरफ आपके स्थान है। तो देख लेते इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिसमें क्वेश्चन देखने में आपको आसानी हो। कुमार कुसुम गुप्ता, यानी कुमार कुसुम गुप्ता का जो संबंध है वो है आपके कहाँ से? कोटा से। लक्ष्मी देवी आचार्य इनका संबंध है आपका बीकानेर से। ठीक है, फिर बात कर लेता हूँ भगवती देवी, भगवती देवी का संबंध है जोधपुर से। सावित्री देवी भाटी इनका संबंध है आपका उदयपुर से। तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद आ जाओ आप 64 पर, क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाइए। ये रहा आपका 64। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में पशुपालन का सबसे प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बागोर, बागोर सभ्यता से आपको पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आ जाओ 66 पर, तो 66 ये रहा आपका इधर है ये रहा। ठीक है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक्स विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? तो पेपेवर सोमनीफेरम ये अफीम का आपका वैज्ञानिक नाम है, अफीम उगाने के लिए आपको नारकोटिक विभाग से अनुमति लेनी होती है। 64 के बाद आ जाओ आप सीधा ही 68 पर आ जाओ। 68 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका राजस्थान जीके का ये रहा। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल मैया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब बढ़ते हैं 72 पे आ जाइए सीधा ही। 72 वाला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके का है आपका। राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर मेहंदी नगरी कहलाता है आप सभी को पता है, सोजत, जो कि पाली के अंदर पड़ता है। सोजत को क्या कहा जाता है? मेहंदी नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ की मेहंदी पूरे विश्व भर में फेमस है। अब आगे आ जाओ 72 के बाद सीधा 77 पर आ जाइए, ये रहा आपका 77। किस भारत
किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा कैलान साखला, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 79 पे आ जाओ, ये रहा आपका 79। नदी का नाम और सूची 2 में नदियों के दूसरे नाम दिए हुए, तो यानी उपनाम दिए हुए ऐसे समझ लो, तो इसको मैच करना। तो देखो, गग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है, चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है, माही नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है, लूनी नदी को लवण जल नदी कहा जाता है। तो 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 77 में था नहीं क्वेश्चन आपका, 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ 79 पे सीधा, 79 देख लेते, 79 हो गया, 79 के बाद 81 पे आ जाइए। ये ना, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंगापुर से किया था, एक करंट अफेयर का सवाल है जो कि अब इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। 79 के बाद 82 देख लेते, 82 भी आपका राजस्थान से रिलेटेड है। ये ना, 82, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिए के व्यापक स्तर के उत्पादन करता है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। जैसे हाड़ौती के पठार में धनिया होता है, हाड़ौती के पठार का एक ही जिला आपको दिया हुआ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 83 भी देख लेते, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिली थी, यानी 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 444 मिलीलीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 83 के बाद सीधा 89 पे चलते, ये रहा 89, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, संगीत राज, संगीत सार। तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो सुधा प्रबंध भी है, ये संगीत सार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 89 के बाद सीधा 93 पे चलते हैं, 93 का है आपका ये 95, 94, ये रहा आपका 93, ये रहा। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो आप सभी को पता, सागरमल गोपा द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 93 के बाद सीधे आ जाओ 95 पे, तो ये आपका 94 है और इधर ये आपका 95 होगा, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 95 पर 98वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 98, ये रहा 98, ठीक है। एक तरफ किला दिया हुआ, एक तरफ किसने बनाया वो आपको बताना है, तो देख लेते हैं 98 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा। देखो, सोनार का किला यानी जैसलमेर वाला किला जैसल भाटी के द्वारा बनाया गया था, सिवाना दुर्ग, सिवाना जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो आपके वीर नारायण पवार के द्वारा, जालौर का दुर्ग नागभट्ट प्रथम के द्वारा और सोजत का किला निम्बा के द्वारा। तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जालौर का किला नागभट्ट के द्वारा, सोजत का किला निम्बा के द्वारा, सिवाना का वीर नारायण पवार और सोनार का किला जसल भाटी, ठीक है। अब 99 पे चलते हैं, क्लियर। 99वां क्वेश्चन है ये रहा, राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे रट लेना भाई साहब, कई बार एग्जाम में बन चुका। और आज का ये 100वां क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है, ये आपको बताना है। तो रामनिवास बाग, मंडोर बाग, विद्याधर बाग और निवास बाग। तो मंडोर बाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये जो एमसीक्यू की सीरीज है, जो जिन विद्यार्थियों का आगामी एग्जाम बहुत करीब है, आने वाले एग्जाम है, जैसे राजस्थान पुलिस हुआ या सीईटी हुआ, 10+2 वाला और ग्रेजुएशन वाला, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। बिल्कुल क्लास को आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।